नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा कि कैसे बिहार बोर्ड 11th एडमिशन अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। इससे पहले बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ इंटरमीडिएट कॉलेज एवं स्कूल नामांकन की फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ अपना सारा डिटेल्स भर लीजिए, कैसे कैसे क्या ऑनलाइन करना है। 350 रुपया पेमेंट आपको कटना होगा। इसमें आप यहाँ सारा कुछ पढ़ने की डिटेल्स पढ़ने के बाद आप यहाँ टिक कीजिएगा। मैंने ऊपर लिखे निर्देशों को अच्छे से समझ लिया हूँ, मैं अब फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। आप आवेदन कर रहे हैं तो क्लिक करें, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आपका डिटेल्स भरने को बोलेगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड से आप भरें या कोई बोर्ड दूसरे बोर्ड से, अगर बिहार बोर्ड में एडमिशन लेना तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं यहाँ वैसे भी बिहार सेलेक्टर हूँ। आपने किस साल परीक्षा पास की है? अगर आपने 2022-20 कोई भी हो, एनुअल हैं या कंपार्टमेंट, मतलब एक बार में पास नहीं हुए फिर कंपार्टमेंट देखा आप पास हुए तो वहाँ कंपार्टमेंट एग्जाम चूज़ कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, रोल कोड, आवेदक का नाम, ये सारा डिटेल्स कैपिटल अक्षर में दीजिएगा ताकि रिजेक्ट होने का चांस ना के बराबर होगा। यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ एक फ़ोटो JPG में सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आप 500 में कितना नंबर लाए यहाँ इसमें लिखिएगा। आपके विद्यालय का नाम क्या है, विद्यालय का पता, आप किस ज़िले में, आपने किस साल विद्यालय में नामांकन लिया था, आपने किस साल विद्यालय को छोड़े थे, क्या आपने 10वीं की कस्तूरबा गांधी से छात्रावास में रहते हैं, इसमें नो कर देंगे। अगर आपने पढ़ाई करती है स्क्रीन हम लोग तो नो कर देंगे। जेंडर अपना बताइएगा, मातृभाषा हिंदी चूज कीजिएगा। धर्म हिंदू सेलेक्ट कर लीजिएगा। रक्त समूह जानते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो कोई भी चूज कर, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद अपना राज्य बताइएगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर ज़रूर भरिएगा। और यहाँ सर कुछ भरने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप दिव्यांग कोटा से आते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नहीं। अपना कास्ट जरूर इसमें फिल करिएगा, जैसे मैं BC से फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको 10 कॉलेजों को चयन करना पड़ेगा, कम से कम 10 कॉलेज और अधिकतम आप 20 कॉलेज का चयन कर सकते हैं। इसलिए मैं सारा कुछ डिटेल्स ऊपर में फटाफट भर देता हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका फाइल का जहाँ पे आप फ़ोटो सेव करके रखे होंगे वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ऊपर सारा कुछ डिटेल्स भरने के बाद, फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। उसके बाद आप कास्ट अपना बताइएगा, उसके बाद नीचे आइएगा। ये पूछ रहा है कि आप किस कॉलेज में दाखिला एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने कॉलेज में लेना चाहते हैं नहीं तो आप जहाँ लेना वहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद कॉलेज का नाम चूज करें, आप कौन से, चलिए ऐसे ऐसे फटाफट करके यहाँ साइंस चूज कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ यस कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा,
कि आप दूसरा, अगर इसमें एडमिशन नहीं होता है तो आप दूसरा कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहेंगे। तो सबसे 10 कॉलेज चुन मैं फटाफट चूज करो, तो नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। 10 कॉलेजों को चयन करने के बाद यहाँ आप टिक कीजिएगा, इस पर डबल टिक कीजिएगा। आप ऊपर में चेक कर लीजिएगा अपना, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ, नहीं तो आप यहाँ से डिलीट करके दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा एड्रेस भरने के बाद यहाँ आप यहाँ नीचे ब्लू कलर लिंक क्लिक कीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ आवेदन शुल्क 350 जमा, तो क्लिक करें। ये लिखा हुआ बोल रहा है एड्रेस ऑफ द ब्लैंक स्कूल कैंट बी लेफ्ट ब्लैंक, ये मेरा कहीं एड्रेस छुटा हुआ, मैं उसको फिल कर लेता हूँ। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। उस वजह से क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट में ले लेंगे, चलिए मैं ले लिया। अब यहाँ कंफर्म, अगर कुछ गलती हो तो आप यहाँ बैक टू मॉडिफाई कर लें। चलिए मेरा कुछ ठीक है, मैं कंफर्म क्लिक कर देता हूँ। ये पूछ रहा है हैव यू वेरीफाई योर फॉर्म, इस तरह से आप OTP वैलिड कीजिएगा। यहाँ बोल रहा है आपके दिए मोबाइल आईडी पे भेजा गया, लेकिन यह मैसेज आ गया। यहाँ आप OTP डाल फिल कीजिएगा और उसके बाद सबमिट कीजिएगा। चलिए मैं अपना देख लेता हूँ कहाँ गया मैसेज। इस तरह से आपका हो गया। आप अपना यहाँ लिखा गया आपके आवेदन से रेफरेंस आईडी भेज दिया गया, आईडी पासवर्ड ऑफिस बिहार बोर्ड की तरफ से। ये बोल रहा है कि आपके आवेदन संबंधी सभी जानकारी दर्ज की ली गई है, आवेदन जमा करने हैं तो आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, अन्यथा आप आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ सब पैसा या वसुदा सारा जो वसुदा केंद्र या सब पैसा सब पेमेंट करा सकते हैं। यहाँ जैसे प्रोसेस टू पेमेंट कर कीजिएगा, यहाँ अगला स्टेप चालू हो जाएगा। और इसके बाद आप जिससे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपये डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, भीम UPI जिससे आप सबमिट करना चाहते हैं, उसे आप पेमेंट कटा के आपका फॉर्म प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। चलिए मुझे सबमिट नहीं करना है, मैं मेरा ऑलरेडी एडमिशन में पास आउट हूँ, इसलिए आपको इस एक डमी फॉर्म फिल करके दिखा रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।